हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है। जनरली हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस बता दिए हैं, अब आपको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मीन्स द सबस्टेंस हुज कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन, तो दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। यानी ऐसे सबस्टेंस जिसका कंडक्टेंस जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, बिना उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुए, तो ऐसे सबस्टेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलेंगे और उस फिनामिना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जनरली मेटल्स में देखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी, मेटल के अलावा भी आपके कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, उसमें भी यह प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब रही बात अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का बात करें, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें बिना केमिकल रिएक्शन से ही वह करंट को कंडक्ट करेगा, लेकिन किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और यह फिनोमेना कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस किस सबस्टेंस में पाया जाता है? सबसे पहले यह मेटल्स में पाया जाता है। किसे पाया जाएगा? मेटल्स में। सभी मेटल्स आपको पता है, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फ्यू मेटल लाइक लेड। लेड मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो अगर बात करें इसमें पहला आपका मेटेलिक कंडक्टेंस। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम मेटल दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस। दिस पॉसिबिलिटी ओनली हैपनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब मेटल का यह पावर, कंडक्टिविटी पावर जो है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला अगर हम फैक्टर का बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस, तो बहुत सारे तीन फैक्टर इसके जनरली हम बता रहे हैं आपको। पहला फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिंग पावर डिक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर आपका है नेचर ऑफ मेटल्स। मेटल के प्रॉपर्टी पर भी ये डिपेंड करेगा। कॉपर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन वही आयरन का कंडक्टिविटी कम होगा, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यह नेचर ऑफ मेटल्स हो गया। थर्ड जो फैक्टर्स है डेंसिटी ऑफ मेटल्स। मेटल के डेंसिटी पर भी ये डिपेंड करता है। और जो फोर्थ फैक्टर्स है वह आपका है प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चार जो फैक्टर्स हैं बहुत मेजर फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स पर मेटल का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पावर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज आप अभी आपको बताएं मेटेलिक कंडक्टर कंडक्टेंस क्या होता है। तो वह सबस्टेंस जिसमें कंडक्ट करने की कैपेसिटी हो, और यह कैपेसिटी किसके वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मेटल का कंडक्टिंग पावर डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर: टेम्परेचर, नेचर ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे हम, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब सेकेंड बात करें, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं वो भी कंडक्टेंस का काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा। सेकंड जो है नॉन मेटल यानी नॉन मेटेलिक
नॉन मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टेंस। ये देखें, कुछ नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसे एलोट्राफ ऑफ कार्बन, आप प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे, एलोट्राफ्स ऑफ कार्बन, वो भी क्रिस्टलाइन एलोट्राफ, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फ्लोरीन। अगर हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपका कंडक्टर का काम करेगा, ग्रेफीन, ग्रेफीन इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरीन, फ्लोरीन ये भी आपका कंडक्टेंस का काम करेगा। तो इसका भी मेन रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेन रीजन बहुत इजी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द करंट, समझ गए, और वही कैरियर का काम करेगा और इसके वजह से यह कंडक्टर का काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। कुछ सॉल्ट भी है, कुछ मिनरल्स भी है, वो भी कंडक्टेंस का काम करता है, लेकिन आपको यह समझना है। इसके अलावा सुपर कंडक्टर, आपको सेमी कंडक्टर भी जानते हैं, सेमी कंडक्टर आपका दो तरह, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप नहीं, इसमें एन टाइप कर सकते क्योंकि इसमें भी एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर भी यह कंडक्टेंस का काम करता है, क्योंकि एन टाइप में पेंटावैलेंसी उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। आप पेंटावैलेंसी का मतलब जिसकी वैलेंसी 5 हो, और आपको पता है सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, इसका वैलेंसी 4 होता है, और इस तरह 4 वैलेंसी होने के एक जैसे पेंटावैलेंसी, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक मिला दिया तो एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा और यहां पर आर्सेनिक आ जाएगा, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो शेष बचा होगा, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसके कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस पावर को इंक्रीज कर देता है। इस तरह यह सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में आएगा। किस में आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्लियर, ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स, अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, अगला जो टॉपिक्स है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टिंग पावर होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया गया, तो इसमें ये बताया गया द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ मटेरियल, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया गया। और सेकंड जो होता है द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल, यानी 1/A, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मर्ज करेंगे, तो आर कॉमन है, आर यह आपका हो जाएगा एल बाई ए। अब यहां एक कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, अब उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो, कहते हैं रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी, रो एल बाई ए या रो इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई आर इंटू ए बाई एल हो गया। अब यहां रो रेजिस्टिविटी हो गया, आर रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ ऑफ सबस्टेंस या मटेरियल। क्लियर, अब देखें अगर इसको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, जब सबस्टेंस का यानी मटेरियल का, जो मटेरियल ले रहे हैं मटेरियल का, जब लेंथ जो है आपका 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेजिस्टिविटी। अब इसको रखेंगे यहां पर, आपका जगह रो इक्वल एक एक कोई मतलब नहीं, रो इक्वल क्या हो जाएगा आर, यही डिफिनेशन है। यानी जब किसी मटेरियल का लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया जाए या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर लंबाई में लिया जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए, तो जो उस सबस्टेंस का रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा बच्चों? रेजिस्टिविटी। यानी रो इक्वल आर, कब? जब यह फिनोमेना होगा तब। अब इसका यूनिट का बात करें तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ रो अभी आप पढ़े हो, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल। आर का वैल्यू क्या होता है बच्चों? ओम। ए का वैल्यू क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। एल का वैल्यू क्या? सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करें, एक वैल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों? ओम सेंटीमीटर। या इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ओम इक्वल या वन साइमन इक्वल, इसको साइमन बोलते हैं, ओम यूनिवर्स होता है। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो, अगर इसी को लिखा जाए तो साइमन यूनिवर्स हो जाएगा। तो चलिए इसी फॉर्म में हम पहले पढ़ेंगे, साइमन यूनिवर्स सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये आपका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए? तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल लेंथ इन सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक्स का बात करें हम, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होगा, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। देखिए यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी केवल कहेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो जनरली इट इज डिनोटेड बाई कप्पा। किससे रिप्रेजेंट? ये कप्पा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कि जैसा इस तरह का, इसको कप्पा कहते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी ये क्या होगा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब रो। क्लियर? अभी आप पढ़े हो रो इक्वल, पढ़े हो आर ए बाई एल, पढ़े आप लोग आर ए बाई एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आप कप्पा इक्वल पढ़े हो 1 बाई रेजिस्टिविटी, ये जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अब ये वैल्यू रख दो, रखेंगे तो आपका आ जाएगा आर ए, यहां देखें 1 बाई आर ए अपान एल। एल क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा, यानी इस तरह एल ऊपर चला गया। क्लियर? इसी को बोलते हैं कप्पा। अब देखें ये हो गया कप्पा हो गया। अब इसको डिफाइन भी हम कर सकते हैं सिंपली, अगर देखा जाए इसको डिफिनेशन दिया जाए तो बता सकते हैं कप्पा 1 सेंटीमीटर लेंथ का। अगर मान लें हमारे पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, 1 सेंटीमीटर लेंथ, और इसका 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 जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया जाए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर यल। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर लंबाई यानी लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जितना कंडक्टेंस होगा उसी को बोलते हैं हम कप्पा बोलेंगे। देखिए कैसे, यहां अगर मान लो मैं एक जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और यल के जगह 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो आपका बचा है क्या? K इक्वल 1 बाई आर। चूंकि आपको बताया है कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस यानी C इक्वल 1 बाई आर। सो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो
तो आपका आ जाएगा कप्पा इक्वल, ध्यान दें कप्पा इक्वल सी, कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। यही इसका डिफिनेशन है, यानी जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो उसका कंडक्टेंस होता है, जो उसका कंडक्टिंग पावर होता है, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा इक्वल सी, कप्पा इक्वल क्या हो गया बच्चों, सी। समझ आया कैसे हुआ? ओके, फर्स्ट एक स्क्रीनशॉट। अब यूनिट देखा जाए, यूनिट ऑफ कप्पा, ये तो समझ आया आप लोगों बच्चों, गुड। अब यहां यूनिट ऑफ कप्पा अगर बात करें तो यही आपका फॉर्मूला है। तो देखें कप्पा इक्वल यल, यल का मतलब सेंटीमीटर, आर का मतलब ओम और ए का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। देखिए ऊपर जाए क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो आपका बचेगा 1 ओम और सेंटीमीटर, या ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आपको हम बताए हैं ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन, क्या बोलते हैं बच्चों, साइमन। अब यस से रिप्रेजेंट करेंगे, सो हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो है कप्पा का यूनिट है, भी कप्पा का यूनिट है और ये भी। तो दिस इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे और कमेंट्स करें, मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का बात करें, सेल कांस्टेंट क्या होता है? अगर हम किसी सेल का बात करें, गैल्वेनिक सेल, कोई भी सेल ले लें, मान लिया हमारे पास एक सेल है और ये इलेक्ट्रोड है, समझ रहे बच्चों, इनके बीच का लेंथ मान ले यल और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया गया ए। तो किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस यानी यल और उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए। अतः इसी रेशियो को, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। और यह जनरली जी स्टार इट इज डिनोटेड बाई जी स्टार, इसको जी स्टार डिनोट करते हैं। और इट इज अ रेशियो ऑफ यल एंड ए। सो जी स्टार इक्वल हम लिख सकते हैं यल बाई ए, इसी को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। अगर हम इसका यूनिट का बात करें तो यल का सेंटीमीटर और दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू कैंसिल एक हो जाएगा, सो यूनिट इज द सेंटीमीटर इनवर्स। सो सेल कांस्टेंट का यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट, तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और यल बाई ए, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज द सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।